वेलकम बैक माई चैनल एंड वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। खुला आसमान है और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, क्योंकि रेनी सीजन है तो मौसम अच्छा है। तो इसी खूबसूरत मौसम के साथ अपने दिल से आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र मेरे साथ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के गम को और परेशानियों को दूर करूँगी। तो मुझे है सबसे ज़्यादा फ्रेगनेंसेस का शौक, तो मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्ट फ्रेगनेंस से करती हूँ। तो मुझे अगरबत्ती हो या तो फिर परफ्यूम हो, इत्र हो, सेंट हो, ऊद बकूर, ये सब खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी के साथ मैं इस खुशबू का वो करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खुशबू। तो ये मैं अम्मी के लिए गिफ्ट लाई थी और अम्मी ने इसको बहुत संभाली। मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी अम्मी के काम में हेल्प, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं वो अपने घर चली गई हैं। तो अब थोड़ी सी हेल्प मैं करने लगी हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करने लगी हूँ। हालाँकि अम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आकर करूँ, लेकिन मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखूँ, उनके लिए बहुत काम करूँ। और हम सबको करना चाहिए उनकी, अपने माँ बाप की हेल्प, अपने माँ बाप का काम। और आज मेरा दिल थोड़ा सा उदास है, क्यों उदास है मैं आगे आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी अभी। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ इब्राहिम के हेयर कट कराने। जितना चुप्पे बैठा ना उतना चुप्पे बिल्कुल भी नहीं था। शुरू शुरू में तो बिल्कुल अच्छे से बात बताएं, उसके बाद इसने मुझे इतना परेशान किया कि इसके जो हेयर कट थे ना बड़ी मुश्किल से मैंने कट कराए हैं। फाइनली इनके हेयर जो हैं कुछ इस तरह से कटे हुए थे, क्योंकि पूरे पे उसने मशीन चला दी, इतना रो रहा था। तो इनके बाबा को तो बिल्कुल भी ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ मैं इब्राहिम के साथ करने लगी हूँ कलर। तो चलिए फिर इब्राहिम के साथ करते हैं कलर और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इब्राहिम को कलर करना पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, कलर करना। मुझे भी कलरिंग का काफ़ी शौक है, तो इब्राहिम मेरे साथ कर रहे हैं कलर और बस यही सब हो रहा। इब्राहिम डन वेरी नाइस एंड गिव मी अनदर कलर, गिव मी पिंक कलर, पिंक, ये दिस इज अ पेंसिल, पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, ये है, वेरी गुड, गिव मी एंड गिव मी ग्रीन कलर, ग्रीन, मुझे दिस इज नॉट कलर। ये है अमरूद का पेड़ जो आज मैं जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद अमरूद तोड़ने, क्योंकि पेड़ जब लगाया था मैंने तो तब तोड़ती थी, अब आज देखते हैं चढ़कर दीवार पे चढ़कर डंडा लेकर तोड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मुझे अमरूद फलों में पसंद है, कच्चे कच्चे अमरूद खाना मुझे पसंद है। तो चलिए मेरे साथ तोड़ते हैं अमरूद और खाते हैं फिर। और ये हैं अमरूद जो मैंने तोड़े हैं, इसमें से दो अमरूद मैंने खा भी लिए। तो ये अमरूद मैंने अभी अपने जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से तोड़े हैं अमरूद, और चलिए फिर खाते हैं। देखने में ये कच्चे कच्चे से लग रहे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं, काफ़ी अच्छे हैं। मुझे वैसे कच्चे अमरूद ही पसंद है, मुझे पके हुए अमरूद नहीं पसंद है। और आजकल तो पके हुए अमरूद में वैसे भी कीड़े आ जाते हैं, तो कच्चे अमरूद अच्छे रहते हैं। तो चलिए फिर खाते हैं काले नमक के साथ। तो ये शाम के वक्त भाई ले आए थे पिज़्ज़ा, तो सब बच्चे पिज़्ज़ा और समोसे कुछ इन्जॉय कर रहे थे। और क्योंकि अफ़ान को और इब्राहिम को सभी को पिज़्ज़ा पसंद था लाइक नहीं, तो सब इन्जॉय कर रहे थे। और हम आ गए थे यहाँ मैक्स के स्टोर, कुछ बच्चों के लिए मुझे टी शर्ट्स वगैरह शॉपिंग करनी थी, अपने लिए कुर्ती वगैरह लेनी थी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैक्स के स्टोर में कितना सन्नाटा था, बिल्कुल एक डिम सी लाइट जल रही थी, एसी नहीं चल रहा था, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे भाई शॉपिंग कर रहे थे। और जब आए थे तो कुछ लेना था, क्योंकि कुछ भी न्यू नहीं था, कुछ भी न्यू अराइवल्स में कुछ भी नहीं आया हुआ था, नया स्टॉक कुछ भी नहीं था। तो लेकिन अब जब आए थे तो कुछ टी शर्ट्स लेना था, फिर मुझे अपने लिए भी कुछ लेना था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने फाइनली एक कुर्ती सोचा कि ले लूँ, लेकिन मैं बहुत देर तक मगजमारी करने के बाद भी मुझे बिल्कुल कुर्ती कोई भी नहीं समझ में आ रही थी, मैं कौन सी लूँ। काफ़ी देर तक मैं सेलेक्ट करती रही, इधर उधर भटकती रही, भाई कहने लगे जल्दी करो। फिर भाई ने कहा चलो FBV में चेक कर लेते हैं। फिर हमने सोचा कि यहाँ से चलते हैं FBV, जो लखनऊ में है या आसपास जो इंडिया से हैं उनको FBV पता होगा। तो फिर वहाँ फिर हम लोग यहाँ से फिर चलते हैं FBV और देखते हैं फिर।
तो ये कल मैक्स गए थे तो वहाँ से कुछ बच्चों के टी शर्ट्स नहीं ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैक्स में वैसे भी आप देख रहे थे कुछ भी न्यू नहीं था, तो मैक्स में मुझे कुछ भी समझ में आया। फिर फाइनली अपने लिए एक कुर्ती समझ में आई जो मैक्स में नहीं थी, एफ बी बी से दी थी और कुछ अच्छा तो ये कुछ ज़्यादा नहीं थी, मुझे काफ़ी इसकी स्लीव्स वगैरह। साथ ही साथ मेरा दिल उदास क्यों है मैं ये आपसे शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस, क्योंकि अम्मी के घर आना तो अच्छा लगता है, अम्मी के घर जाना अगर घर से बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो बस दिल इसीलिए उदास है। आने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बस जाना मुझको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और बस अम्मी के घर आओ तो अम्मी इतना खुद इतना वो करती हैं कि वो सोचती हैं कि मेरे लिए सब काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके लिए काम करूँ, उनकी हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। और यहाँ मैं भूनने लगी थी अपने बेटे के लिए और अपने भाई की बेटी के लिए भुट्टा, क्योंकि उन लोगों को भुट्टे बहुत पसंद हैं, तो यहाँ पे मैं भूनने लगी थी भुट्टे। और भुट्टे को नमक और काला नमक लगा कर नींबू के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगते हैं, तो बस मैं वही करने लगी थी। तो बस दिल थोड़ा सा वही हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था कुछ सुबह से, और क्योंकि आज से यहाँ पे लग जाएगा लॉकडाउन तो मुझे जाना है वापस 10 बजे से पहले अपने घर पहुँच जाना है। और बस मैं ये आप लोगों को मैसेज देना चाह रही थी कि कोई भी हो हम में से कोई भी, तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप, जिनके माँ बाप सलामत हैं, जिनके नहीं हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इस माँ बाप की इम्पोर्टेंस को। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, जैसे मैं उनमें लकी लोगों में से हूँ, तो हमें चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, थोड़ा वक्त अपने माँ बाप को दें, कभी उनका पैर दबा दें, कभी सर पर तेल लगा दें। माँ एक ऐसी चीज़ होती है, माँ बाप एक ऐसी चीज़ होते हैं जो ज़िंदगी का अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही बड़ा तोहफा होता है। मैं खुद एक माँ हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ जितनी अच्छी मेरी अम्मी है, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। तो मैं शाम के टाइम बनाने लग रही थी सिवई, क्योंकि अम्मी कह रही थी थोड़ी सी सिवई बना लो, तुम बहुत अच्छी सिवई बनाती हो, तो बस ऐसे झटपट वाली थी ये, कोई बहुत ही टाइम वाली लागत लगा के बहुत अच्छी वाली नहीं थी, झटपट वाली सिवई मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे धुआं धुआं सा दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा लग रहा होगा। तो बस सिवई बन गई थी काफ़ी, बाद में जब सबने खाई तो काफ़ी अच्छी लगी थी, पसंद आई थी। और भाई लेकर आए थे चिकन, तो उसको भी मैरिनेट कर दिया था, साथ ही साथ मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे चिकन को तलने लगी थी और जल्दी जल्दी खाना खा के अभी मुझे निकलना था अपने घर के लिए, तो बस जल्दी जल्दी आज खाना खा के फिर निकलते हैं। और मैं कहना चाहूँगी आप सब अपनी अगर अपनी मम्मी आपकी मम्मी पापा आपके करीब हैं तो प्लीज़ उनको कभी भी उनकी आवाज़ में नहीं बोलिएगा, कभी भी जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि हम अपने माँ बाप की मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हम उनको वापस तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी मोहब्बत अपनी कुछ खिदमत से उनको ज़रूर उनको वो मोहब्बत दे सकते हैं वापस, और उसके बदले में उनका प्यार तो मिलेगा ही, ऊपर वाला भी बहुत खुश होता है जब हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उनको अच्छा आंसर करते हैं। तो बस आज का बस यही मैसेज था, और फिर अब मैं आपको अपने ससुराल में मिलूँगी, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मेरा नेक्स्ट ससुराल में होगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर बताया कीजिए, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताया करिए मैं किस तरह की वीडियो डालूँ। और बस इसी तरह की कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ अपना खुद भी, आज मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपना लास्ट ब्लॉग है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यही बात सचती हूँ कि यहाँ पे हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम बचेगा, तो फिर मैंने सोचा कि और इस टाइम मेरा चैनल ब्लॉग जो है काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, चैनल इज़ ऑल्सो गोइंग गुड, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और ब्लॉग डाला जाए। फिर घर जाके एक रेमेडी ज़रूर डालूँगी, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप रेमेडी नहीं डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह घर जाकर एक रेमेडी भी ज़रूर डालूँगी। और ये बहुत ही यम्मी के चिकन बने थे, बहुत ही मज़ेदार चिकन बने थे, तो बस इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर चाट मसाला डाल के और चटनी के साथ, तो हाँ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप भी कभी ट्राई करिएगा। और ये बस
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, खिदमत करिए, मोहब्बत करिए, छोटों से बड़ों से सबसे मोहब्बत करिए, क्योंकि मोहब्बत जब करेंगे तो उसके बदले ही मोहब्बत मिलेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था, ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, उम्मीद करती हूँ आपको।